नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद जी। हां, आज ही अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। आपकी कुंडली में ही छिपा है आपकी सफलता का राज। आपकी कुंडली बताएगी किस देवी देवता की पूजा और उपाय करने से मिलेगा आपको महा लाभ। आपकी कुंडली बदल सकती है आपका आने वाला कल। कुंडली से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए अपनी कुंडली और आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य एक साथ हैं या शुक्र सूर्य एक साथ हैं, तो आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन से उपाय आपको करने होंगे, आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने दर्शकों को आज मैं कुछ ज्योतिष की जानकारी देना चाहता हूँ। आप रोज इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और मुझे विश्वास है कि आप अपनी कुंडली का भी कुछ न कुछ मैच करते होंगे। तो एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली किसी की भी हो, किसी उम्र की हो, चाहे नवजात शिशु की हो, चाहे 90 साल के बुजुर्ग की हो, कुंडली में एक चीज़ सबके कॉमन होती है। वो कॉमन ये होती है कि सूर्य, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों में अगर आपसी डिस्टेंस देखा जाए, आपसी दूरी देखा जाए, तो 47 डिग्री से ज़्यादा की नहीं होती है। माने एक राशि 17 अंश से ज़्यादा की नहीं होती है। ये सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक घर आगे पीछे ही प्रायः होते हैं, एक भाव के आगे पीछे होते हैं या साथ में भी कभी कभी होते हैं। जब कभी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो इसमें दो स्थिति बनती है। एक तो इनके डिग्री से अगर 12 डिग्री से दोनों के अंतर हों, जैसे मान लीजिए सूर्य 18 डिग्री पर है और शुक्र 2 डिग्री पर है, तब तो कोई बात नहीं, आप बच गए। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र की डिग्री 12 से कम है तो शुक्र अस्त हो जाएगा। अब जब शुक्र अस्त हो जाएगा तो ऐसे आदमी को न तो वैवाहिक सुख का आनंद मिलेगा और न लग्जरी लाइफ हो पाएगी। लेकिन एक बड़ी भयावह स्थिति होती है, अगर सूर्य और शुक्र किसी की कुंडली में द्वितीय या द्वादश भाव में, माने दूसरे भाव में या 12वें भाव में एक साथ हो जाएं और शुक्र अस्त हो जाए और शुक्र की डिग्री सूर्य की डिग्री के समान हो जाए, तो ऐसा बच्चा जन्मांध होता है। जन्म से ही उसकी दोनों आंखें खराब होती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री का अंतर है, तो ऐसे बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में चश्मा लग ही जाता है। 7 डिग्री, 8 डिग्री का भी अंतर है और द्वितीय द्वादश में है तो 12 वर्ष की उम्र के पहले चश्मा लग ही जाता है। शुक्रो नेत्रश्च तथा चंद्रमा मनसस्त तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमतः। महर्षि पाराशर अपने पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि शुक्र का विचार नेत्रों के लिए भी किया जाता है। अच्छा, अब शुक्र अगर अस्त होगा तो विवाह में देरी कराएगा। शुक्र अगर अस्त होकर के द्वितीय द्वादश के अलावा कहीं होगा तो ऐसे पुरुष की कुंडली में होगा तो उसके शुक्राणु नहीं होंगे, और स्त्री की कुंडली में होगा तो उसके अंडे ठीक नहीं बनेंगे, उसको रजोदोष होगा, उसका जो मासिक धर्म है वो ठीक नहीं होगा, गर्भाशय से संबंधित रोग होंगे। तो कुंडली में शुक्र का ठीक होना और शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है।
और इसका शास्त्रों में तमाम उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो उपाय मैंने जीवन में आजमा के देखा है वो उपाय है या तो माँ दुर्गा की पूजा में पूरी तन्मयता हो जानी चाहिए। तन्मयता का मतलब नित्य दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, संकल्प से लेकर के क्षमा प्रार्थना तक दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं और दुर्गा की उपासना से शुक्र अपने आप बलवान हो जाता है। तो या तो बढ़िया से रोज दुर्गा सप्तशती की उपासना करें, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो दुर्गा के जो 108 नाम हैं अष्टोत्तर शतनाम उसका रोज पाठ करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो देव्या कवचम है दुर्गा सप्तशती में, कवच का पाठ सुबह शाम कर लें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं और अब विवाह होने की बारी है, देर हो रहा है, समय आपके पास नहीं है, तो शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराएं, हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें सफेद वस्त्र दान करें, दक्षिणा दें, इससे भी शुक्र ग्रह की शांति हो जाती है। लेकिन अगर शुक्र आपका अस्त है और विवाह के लिए आपने उपाय किया, विवाह हो गया, तो फिर ये उपाय आपको संतान प्राप्ति के पहले एक बार फिर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र का अस्त होना माने एक बार में वो संपूर्ण रूप से उदय नहीं होगा। ये पूजा आपको हर 3 साल पर कराते रहना चाहिए और कम से कम 4 बार कराना चाहिए, और जहाँ तक आपको हो सके आपको अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे जूते पहनने चाहिए और परफ्यूम का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र को बलवान करने के लिए गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए, और अगर रोटी में गुड़ लपेट करके खिला रहे हैं तो ये आपके सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और शुक्र अगर खराब है तो महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, और चाहे कोई रिश्ते में हो या ना हो, चाहे वो समाज की ही कोई महिला हो, उससे आदरपूर्वक वार्ता करनी चाहिए और उसे रिस्पेक्ट और सम्मान देना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना चाहिए, यथासंभव गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। कुंडली में मंगल और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो कुंडली में बनता है अंगारक योग। इसका मतलब समझते हैं, ऐसा आदमी बेतहाशा गुस्सा करने वाला होता है, ऐसे आदमी के नाक पर गुस्सा होता है, एक मिनट में कहो तो पृथ्वी पलट कर इधर से उधर कर दे, इतना गुस्सा होता है, ये अंगारक योग है। अगर मंगल अस्त हो गया तो लग्न चौथे सातवें आठवें बारहवें भाव में मंगल के होते हुए भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। एक फायदा तो है कि मंगल अगर अस्त हो गया और मांगलिक योग बन रहा था तो वो योग खत्म हो जाएगा, केवल एक फायदा। लेकिन दूसरा नुकसान क्या है, साहस और पराक्रम में कमी आ जाती है, रिस्क लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, भाई बहनों का सुख कमजोर हो जाता है, भाई बहन तकलीफ में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सहज मंदिर गे तपनात्मजो भवति सर्वसहोदरनाशक। तीसरे भाव में अगर बलवान मंगल होगा तभी भाई बहनों का सुख होगा, अगर तीसरे भाव में मंगल होगा और निर्बल होगा तो भाई बहनों को उजाड़ के रख देगा। तो भाई ये स्थिति अगर है तो आपको धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, ये मंगल का मंत्र आपको 10 माला कम से कम 50 दिन तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात, जिंदगी भर के लिए अगर मंगल आपका अस्त है
तो जिंदगी भर के लिए हनुमान जी को आप अपना इष्ट मान लें और उनकी उपासना करें और जितना हो सके मन लगा करके हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा करें और संभव हो तो जीवन में एक बार से ज़्यादा अयोध्या जा करके हनुमान गढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और कुछ हो या ना हो आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, भले उसकी सेवा आप ना करें, आपकी पत्नी कर दे, आपकी माँ कर दे, लेकिन तुलसी का पौधा होना चाहिए। और तांबे के लोटे में जल भरकर हर रोज सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए अर्घ भी देना चाहिए। और वैसे तो अमावस्या को विवाह का मुहूर्त होता ही नहीं है, लेकिन शनिवार को भी विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अब सूर्य और शनि अगर कुंडली में एक साथ हो तो शनि कम पीड़ित होता है, सूर्य ज्यादा पीड़ित होता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को पीड़ित कर देता है। मैंने कई बार आपको बताया है, आपको याद भी होगा कि यदि द्वितीय भाव में सूर्य हो और अष्टम भाव में शनि हो और दोनों की डिग्री में 12 डिग्री का अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति अगर कुबेर का भी बेटा हो, माने धनाध्यक्ष कुबेर उनका भी बेटा हो, तो वो भी भीख मांग के मरेगा, क्योंकि कभी उसके जीवन में बरकत हो ही नहीं सकती है। चाहे जितना धन दौलत उपलब्धि उसको विरासत में मिली है सब नष्ट हो जाएगी। ये बड़ा खराब योग होता है। और अगर 12 डिग्री से ज्यादा का अंतर है फिर घबराने की कोई बात नहीं। हर रोज उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य का जो वैदिक मंत्र है ओम कृष्णेन रजसावर तमानो निवेशयन मृतंग मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का अगर 10 माला जप 31 दिन ब्रह्मचर्य रह करके कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपका आत्मबल मजबूत हो जाता है। अगर सूर्य शनि के साथ पीड़ित है तो ऐसे बच्चे प्रायः इंटरव्यू में होस्टाइल हो जाते हैं, परीक्षा की तिथि आने पर उनको एग्जामोफोबिया परीक्षा का भय इतना सताता है कि वो बीमार हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ आता रहता है लेकिन परीक्षा का एक ऐसा भय मन में बन जाता है कि वो परीक्षा हाल तक पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के माता पिता को चाहिए कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य अपनी नीच राशि में है, या सूर्य शनि से पीड़ित है, या सूर्य राहु केतु जैसे पापक ग्रहों के साथ है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए रविवार के दिन सूर्य की वैदिक शांति करवाना चाहिए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप 12 वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये उपाय करते ही हवन समाप्त नहीं होगा कि बच्चे के अंदर साहस का संचार हो जाएगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे पैर से कांटा निकाल लेने पर आराम मिल जाता है, वैसे ये सूर्य की शांति होने पर तत्काल बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए कलयुग में भी ये पूजा राम बाण की तरह फलदायी है। और कमजोर शनि के लिए हर रोज आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और शनि देव के सामने आंख से आंख नहीं मिलाना चाहिए, शनि देव के बगल में खड़े होकर के उनके पैरों पर आप तेल चढ़ा सकते हैं, उनके पैरों का आप दर्शन कर सकते हैं और जो कुछ भी दान पुण्य आपको करना है बगल में खड़े होकर के आप कर सकते हैं।
क्योंकि शनि से नेत्र मिलाने की इस सृष्टि में किसी की ताकत नहीं है, और जो लोग ये गलती करते हैं, शनि के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको तो उसका मजा चखना पड़ता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि भाई पुण्य कम हो कोई बुराई नहीं, लेकिन कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए इसका ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति भले है, लेकिन आपके व्यय भाव में ये जो राहु है ना, ये धन हानि का योग बना रहा है। बेवजह कर्ज लेना पड़ सकता है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में दिन भर व्यस्त रहेंगे, माँ के साथ कुछ अनबन हो सकती है, सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है। मैं तो आज आपसे यही सलाह दूंगा कि आपके चंद्रमा को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि आज आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए, नई जगह पे कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए, और जरूरतमंद लोगों में हो सके तो कुछ अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हों, सूर्य केतु एक साथ हों या सूर्य राहु एक साथ हों, तो ऐसे लोगों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। सूर्य राहु की युति ये तो ग्रहण योग कहलाती है। जब सूर्य राहु के साथ हो जाता है, चंद्रमा केतु के साथ हो जाता है, तो ऐसा योग जानते हैं कब बनता है? या तो अमावस्या पर या तो पूर्णिमा पर। अगर अमावस्या या पूर्णिमा पर ये योग बने, सूर्य राहु के साथ चंद्रमा केतु के साथ जब हो जाए, तो ये अमावस्या और पूर्णिमा पर ही योग बनता है। तो उस समय आप ये मान के चलिए कि अगर सूर्य और चंद्रमा की डिग्री में समानता हो रही है तो उस दिन ग्रहण जरूर लगेगा, इसको ग्रहण योग कहते हैं। और सूर्य राहु के साथ होता है फिर वही बात, आत्मविश्वास की कमी होती है। सूर्य राहु के साथ होता है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता है। अगर ज्यादा सूर्य पीड़ित हो गया तो ऐसे बच्चे का पिता बचपन में ही दिवंगत हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत सूर्य पीड़ित है तो बच्चे के पिता के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। तो अगर आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया आप सुबह सूर्य को जल दे दिया करिए और प्राणायाम जरूर किया करिए। प्राणायाम के लिए बाई नाक से 10 सेकेंड सांस को पूरा भर लीजिए, 40 सेकेंड तक दोनों नाक बंद करके सांस को रोक लीजिए और 20 सेकेंड तक दाहिनी नाक से सांस को छोड़िए। और एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिलेगा, प्राणायाम की विधि नाम के चैप्टर में, वो मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। एक बार ही सही नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके आप एक बार ये मंत्र नाभि पर ध्यान करके पढ़ें, और एक बार ये मंत्र अपने हृदय पर ध्यान करके आप पढ़ें, और एक बार अपने मस्तक पर ध्यान करके पढ़ें। ये 5 बार आप उपाय करें, आप देखिए राहु और सूर्य की युति का दोष आपके जीवन से 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। और ऐसे लोगों को एक रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर 8 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो ये भी आपके लिए ठीक है। और भगवान शिव और माँ दुर्गा की भी समय समय पर उपासना करते रहना चाहिए। शिव महिम्न स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में, पूजा के अंत में शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। इसी तरह से अगर सूर्य केतु की युति हो जाए तो भी इसको ग्रहण दोष कहते हैं, तो हर रोज या रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जो अगस्त ऋषि ने भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करने से पहले दिया था।
वो आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप रोज पाठ करेंगे तो आपके मन में सदैव साहस का संचार बना रहेगा। और रविवार को आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए, शनिवार को कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए, पंछियों को सतंजा डालना चाहिए। कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो चांदी के कोई न कोई आभूषण आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो चांदी का कड़ा पहन लीजिए, अगर आप महिला हैं तो चांदी के बिछुआ पायल जरूर पैरों में पहन करके रखिए, क्योंकि तभी जा करके इस दोष का निवारण होगा। चांदी के गिलास में अगर आप पानी पिए तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। आपकी वृषभ राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में बैठा हुआ है। अगर व्यय का स्वामी धन में बैठेगा, खर्च का मालिक अगर धन के स्थान में बैठेगा तो क्या करेगा, धन की बर्बादी ही तो होगी ना, तो बढ़ता हुआ खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो या चंद्रमा शनि एक साथ हो तो ऐसे लोगों को अपनी डेली लाइफ में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। चंद्रमा और शनि की युति होने पर विषयोग का निर्माण होता है, इसको विषयोग कहते हैं भाई, बहुत खराब होता है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और शनि के साथ होते ही विषयोग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो अच्छी प्लानिंग कर पाता है, न मन से मजबूत होता है और ऐसे व्यक्ति को अगर 8वें भाव में हो जाए चंद्रमा शनि की युति, 6ठे भाव में हो जाए, 12वें भाव में हो जाए, द्वितीय भाव में हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आँख बंद करेगा बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, आंख बंद करते ही बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, नींद नहीं पूरी होगी, हर समय डर बना रहेगा, अनायास के दुश्मन उसको परेशान करते रहेंगे, माता का स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे लोगों की प्रायः माताएं कम उम्र में मर भी जाती हैं। चंद्रमा और शनि की युति से आत्मबल कमजोर होता है, मन की स्थिति कमजोर होती है। लेकिन अगर दोनों में डिग्री का बहुत अंतर हो, 12 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हो तो मत डरिएगा, कोई घबराने की बात नहीं। केवल चंद्र शनि की युति ही विषयोग नहीं बनाएगी, जब दोनों की 12 डिग्री से कम का अंतर होगा तब इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई आदमी बॉम्बे में है और कोई आदमी दिल्ली में है तो बॉम्बे और दिल्ली वाले का टेलीफोन पर बात तो हो सकता है लेकिन एक दूसरे की छाया नहीं हो सकती एक दूसरे के ऊपर। उसी तरह से ग्रहों की भी एक स्थिति होती है कि ग्रह कितने डिग्री के अंदर कितने डिग्री पर प्रभाव डालता है, तो इसलिए ये डरने की बात नहीं है। चंद्रमा शनि की, चंद्रमा मान लीजिए 2 डिग्री पर है और शनि 24 डिग्री पर है, कुछ नहीं आपका बिगड़ने वाला है, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर कोई घायल जानवर आपके सामने आ गया तो मानवता के नाते आपको उसके उपचार की व्यवस्था करानी चाहिए, हर समय सच बोलना चाहिए, क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हो सके तो रात में दूध नहीं पीना चाहिए, माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और इसी तरह से अगर कुंडली में मंगल और राहु की युति हो जाए तो भाई ये भी अंगारक योग है, ऐसा आदमी भी बेसिर पैर का गुस्सा करता है। ऐसे आदमी के गुस्से के सामने तो समझ लो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए अंगारक चतुर्थी पर 7 तरह का अनाज दान करना चाहिए, पानी में चंदन का इत्र डालकर स्नान करना चाहिए और राहु की शांति के लिए ओम रांग राहवे नमः या
अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 81 दिन जरूर करना चाहिए। काली उड़द, काले चने, काले तिल, इनका किसी जरूरतमंद को शनिवार के दिन दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, कैसा रहेगा दिन आपका ये जानते हैं। आपके राशि में चंद्रमंगल की युति है, ये बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने वाला है। नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कभी रह चुकी है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें, कर्ज लेकर के किसी की मदद ना करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा आपका। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुध की स्थिति है और आपके द्वितीय भाव में धनेश सूर्य स्वयं उपस्थित हैं। अच्छा है यार, कारोबारी डील से आपको धन लाभ हो सकता है, किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है, घर में मेहमान आ सकते हैं, पुरानी बीमारी से आपको आराम मिल सकता है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और चांदी का एक छोटा सा सिक्का अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों का योग कैसे आपको पैसा, तरक्की, शोहरत, सुख शांति और अच्छी सेहत दे सकता है, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चंद्रमा राहु की, गुरु बुध की, बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रहों का ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में भी है तो आपको किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अब इस बारे में बताइए। देखिए, अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में मित्र हैं और अगर इनकी युति हो रही है तो कोई बुराई भी नहीं है। अब ये जिस भाव भावेश के मालिक होंगे उनका संयुक्त फल भी करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में बुध और शनि की युति है, ऐसे लोग अगर मांसाहार करेंगे और नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे तो ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा और ऐसे लोग अपने परिवार के लिए अभिशाप रहेंगे। ऐसे लोगों को अपने खान पान में, अपने आहार विहार में पूर्ण रूपेण सात्विकता बरतनी चाहिए। अगर जीभ ज्यादा लपलप करे तो इसको पनिशमेंट देना चाहिए, जीभ के चक्कर में ना आइए और मन के बहकावे में मत आइए कि ऐसा कर लो बड़ा मजा आएगा, ऐसा कर लो बड़ा सुख मिलेगा। कोई सुख उख नहीं मिलने वाला है, केवल जीवन नष्ट होने वाला है मांसाहार करने के बाद और किसी प्रकार का नशा करने पर। सुख नहीं मिलता है, केवल दुख मिलता है, पक्की बात जान लीजिए। मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे, जिंदगी असफल होगी, भगवान को दोष देंगे। किस्मत साथ नहीं दे रही है, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कभी समय को, कभी ईश्वर को, कभी भाग्य को केवल कोसते रहिए और कहिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे अपना खान पान ठीक कर लो भाई, खान पान अगर ठीक कर लोगे तो निश्चित रूप से सतोगुण बढ़ेगा जब आपके शरीर में, तो आप रास्ते पर चल पड़ेंगे। और इसी तरह से बुध अगर राहु की युति होने पर, तो हर रोज ऐसे लोगों को चाहिए
कि भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के 108 नामों का जप करें, गले में रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करें। बुध और बृहस्पति की युति प्रगल्भ योग देती है, आप जानते हैं, अगर किसी की कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट पर कुछ भी समझाना चाहे तो 2 मिनट में वो अपनी बात दूसरे के मस्तिष्क में भर देता है। इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। अगर कोई विद्वान है और उसकी बात से आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कुंडली में ये प्रगल्भ योग है। लेकिन बुध और बृहस्पति अस्त न हो, कहीं सूर्य भगवान इनको अस्त न कर रहे हों। अगर बुध अस्त हो जाएगा, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी अपना एक्सप्लेन करने की पावर खो बैठेगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में 4 पुस्तकें रखें। पहली पुस्तक रखें भक्तमाल, गीता प्रेस की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक रखें श्रीमद् भगवद गीता टीका साधक संजीवनी, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की टीका। और तीसरी किताब रखें श्रीमद् भागवत महापुराण, दोनों खंड। और चौथी किताब रखें श्री रामचरित मानस। अगर इतनी किताबों को ले आकर के सम्मान के साथ घर में रखेंगे, उनका नित्य आप दर्शन पूजन करेंगे और कभी कभार उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं तो कल जीवन में रंग तो चढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने पूर्वजों के मुँह से, बुजुर्गों के मुँह से सुना है, पुस्तकी भवेत विद्वान। जो पुस्तकों का संग्रह करने वाला है, और भले आज वो किताब को नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज नहीं तो कल वो विद्वान बनेगा, क्योंकि पुस्तकों पर कभी न कभी तो उसका हाथ जाएगा। मंदिर में आपको 2 रंग वाले कंबल भी दान करना चाहिए, चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और चंद्रमा राहु की युति अगर है तो आपको चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए। इसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। और भी अगर पावरफुल आपको कुछ करना है तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर अपने मन में ये मंत्र चलाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में, और 68वें पेज पर, या ये कह लीजिए कि 28वें अध्याय का 7वां श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे तो इसका अर्थ ये होता है शिव जी को बार बार नमस्कार है, शिव जी के निमित्त बार बार नमस्कार है। लेकिन अगर आप कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो भगवान शिव की कृपा मिलती है। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखें और समय मिलते ही रुद्राभिषेक करें। जब भी आपको संभव हो, समय मिले तो रुद्राभिषेक करें। आपके पास अगर कम पैसा है, नहीं पैसा है, तो आप एक लोटे, बड़े लोटे में जल ले लीजिए और शिव मंदिर में, शिवालय में चले जाइए, अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए और दोनों हाथ से लोटे को पकड़ करके धीरे धीरे शिवलिंग की जल की धारा गिराइए। जब तक रुद्र सूक्त पूरा न हो तब तक जल की धारा गिराते रहिए और उसके बाद में बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव को प्रणाम करके आप अपने घर आ जाइए। ये नियम करके देखिए तो 40 दिन, अगर आपका असंभव से असंभव मनोकामना भगवान शिव न पूर्ण करे तो आप कहिए। और जब रुद्र सूक्त रोज आप बजाएंगे तो एक दिन रुद्र सूक्त आपको याद हो जाएगा, जब आपको याद हो जाएगा तब तो आप भगवान शिव के पार्षद ही बन जाएंगे। क्या पूछना है, आपको देख करके दूसरे का पाप टल जाएगा। तो करिए, अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है आज का दिन आपका जानते हैं।
देखिए, आपकी सिंह राशि है तो भले ही आपका राशि स्वामी आपके राशि में है, लेकिन देखना इस बात को है कि धन भाव का स्वामी आपके वो व्यय भाव में है, तो धर्म कर्म में धन खर्च हो सकता है। ऑफिस में रुके हुए काम आप निपटाइए, पूरा करिए और पूरा अपने जीवन में धैर्य रखिए। इससे क्या होगा कि बिगड़े हुए रिश्तों में भी सुधार आएगा। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचना चाहिए, प्रॉपर्टी में निवेश से पहले पेपर्स जांच लेना चाहिए, आज बंदरों को केला खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवास। चंद्रमा केतु कुंडली में अगर एक साथ बैठे हैं या मंगल बुध की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चंद्र केतु की युति विपनेस जो है ये ग्रहण दोष कहलाती है, और चंद्र केतु की युति जिसकी भी कुंडली में होती है वो आदमी हर समय दो राहे पर खड़ा रहता है। I am right, I am wrong, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता बेचारा। चंद्र केतु की स्थिति बड़ी दुखद होती है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं, और इस योग से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ महादेव सहायता करते हैं। तो ये क्या वक्त लगता है इसमें? हाँ, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय है मैं अपने दर्शकों को कई बार बता चुका हूँ, आप अपने बाएं हाथ में दाहिना हाथ ले लीजिए और नाभि के पास हाथ को रख लीजिए और चौकड़ी मार के या पद्मासन में बैठ जाइए, गर्दन को सीधा रखिए, आँखों को बंद करिए और ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर ले आइए। इस तरह का प्रयोग 24 मिनट सुबह शाम करिए, निश्चित रूप से 40 दिनों के अंदर ये ग्रहण दोष का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होता नजर आएगा। लेकिन ये उपाय बंद नहीं करना है, इस उपाय को कम से कम 5 से 7 वर्ष करना चाहिए, तब ये जीवन भर का ग्रहण दोष समाप्त होता है। साधना से सब कुछ संभव है, सनातन धर्म में साधना ऐसी है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं, आप भक्तमाल पढ़ करके देखिए, जहां मृतक लोगों को लोगों ने जिंदा कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज में एक मुगल बादशाह आया हुआ था और वहां एक बहती हुई मुर्दा की लाश आ रही थी। उसे देख करके मुगल बादशाह का जो मतलब कि सलाहकार था वो तकी नाम था, बड़ा विद्वान था, इस्लाम धर्म का बड़ा विद्वान था, तो उसने कबीरदास को इशारा करके कहा कि ये तो बड़े संत हैं, ये चाहें तो इसको जिला सकते हैं, व्यंग में उसने कहा। तो कबीरदास ने कहा आ बेटा आ जा, और वो मुर्दा जो है बहते हुए कबीरदास के पास आके उठ के खड़ा होकर प्रणाम कर लिया। उसी का नाम कमाल हुआ और वही कबीरदास का बेटा कमाल हुआ। इसी तरह से एक लड़की को भी उन्होंने जाकर के विदेश में जिंदा किया था, उसका नाम कमाली हुआ। कबीरदास के बेटे का नाम कमाल और कमाली इनकी पत्नी के गर्भ से नहीं हुए थे, ये मुर्दा लोगों को जिंदा करने के ही कमाल कमाली हैं। भक्तमाल अगर आप पढ़ोगे या हमारे दर्शक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे यहाँ के साधु संतों में, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु संतों की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां मृत लोगों को जीवित कर दिया गया है, मृत लोगों को जीवित कर दिया गया है इस साधु संतों के प्रभाव से। वैसे तो पंडित जी साधना आसान नहीं होती है हर किसी के लिए, लेकिन कहते हैं ईश्वरीय शक्ति उनको जरूर मिल जाती है, इसलिए उनकी साधना निरंतर चलती रहती। देखो बेटा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप साधना बहुत कठिन चीज है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि ईश्वर न तो बुद्धिगम्य है न तो ज्ञानगम्य है, ठीक है ना, लेकिन भगवान राम खुद अपने मुंह से कहते हैं निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप सरल चित्त केवल हो जाइए, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अगर आप सरल चित्त केवल हो जाइए तो आप दो बार भी राम कहिए तो भगवान आपके साथ हो जाएंगे। सरल चित्त हो जाइए, अपनी वक्रगति समाप्त करिए, अविश्वास समाप्त करिए, केवल सरलता आपके अंदर आ जाए, जीवन में आप सरल हो जाएं, बस। सरलता सबसे बड़ा गुण है,
सबसे बड़ा आभूषण है जीवन की सरलता, आप सरल हो जाएं। और यही सबसे मुश्किल है आज के समय में। हाँ, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। और कुछ लोगों का प्रारब्ध होता है, वो जीवन से ही सरल होते हैं। चंद्रमा और केतु की युति पर मैंने आपको बताया ना, हाँ, दो मुखुर द्राक्ष भी अगर आपको मिल जाए तो उसे भी गले में धारण कर सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को सात तरह का अनाज मिलाकर खिलाएं। मंगल और बुध की अशुभ युति होने पर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें। घर में लाल फूलों वाले पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान में भले ही बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आपके राशि में नीच का शुक्र केतु के साथ है। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपका कोई कीमती सामान गायब हो सकता है, धन हानि की संभावना है, इसलिए पूरा अलर्ट होकर के यात्रा करिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी में स्थानांतरण का योग बना हुआ है जो आपके लिए अहितकर होगा। विवाह का योग बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज पैसों को लेकर के किसी पर भरोसा न करिए। भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए नौ है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर शनि राहु एक साथ हों या मंगल शनि एक साथ हों तो कौन सी बुरी आदतों को एकदम छोड़ देना चाहिए और कौन से उपाय और दान आपको करना है, जान लेते हैं, बताइए पंडित जी। ये बहुत खराब स्थिति है। शनि राहु अगर लग्न में हो जाएं तो सेहत का सर्वनाश कर देते हैं। शनि राहु द्वितीय भाव में हो जाएं तो बैंक बैलेंस 1000 से ऊपर नहीं हो पाता है। शनि राहु तृतीय भाव में हो जाएं तो भाई बहन का सुख ही नहीं मिलता है। भाई हो तो मर जाता है, बहन हो तो दुखी होती है। शनि राहु चतुर्थ भाव में हो जाएं, पुराने घर में जिसमें पैदा हुए हैं उसी में जिंदगी भर मरना पड़ता है, नए घर का योग नहीं बनता है। पंचम भाव में शनि राहु हो जाए तो संतान को लेकर के बहुत आफत विपत्ति बनी रहती है। शनि राहु छठे भाव में हो जाए कुछ राहत मिलती है। सातवें भाव में शनि राहु हो जाए तो वैवाहिक जीवन एकदम तहस नहस होता है। आठवें भाव में अगर शनि राहु मकर कुंभ या तुला राशि के अलावा हों तो अनर्थ ही होता है। मकर कुंभ और तुला राशि में हों तो 100 वर्ष की आयु देता है। शनि राहु भाग्य स्थान में हो जाए तो ऐसा आदमी अधर्माचरण करने वाला और महापापी होता है। दसवें भाव में शनि राहु हो तो बालकाल में पिता की मृत्यु होती है और पिता की आकस्मिक मृत्यु होती है। 11वें भाव में शनि राहु हो जाएं तो कुछ ठीक होता है। इसी तरह से 12वें भाव में शनि राहु हो जाएं तो ऐसा आदमी वेश्यागमन, जुआ खेलने वाला और नाना प्रकार के मतलब कि अपव्ययी मार्गों पे लक्ष्मी का सर्वनाश करने वाला होता है। तो शनि राहु की युति तो अच्छी होती नहीं है। शनि राहु की युति दो दो विवाह, तीन तीन विवाह, चार चार विवाह करा देता है, लेकिन वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है। इन सब बातों की युति होने पर शनि और राहु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और आपको शहद का सेवन रोज करना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को या कभी मजदूरों को सताना नहीं चाहिए, उनकी मजदूरी नहीं मारनी चाहिए। लालच एकदम नहीं करना चाहिए। बुरे कार्यों में धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध और गलत संगत से बचना चाहिए। शनि राहु की युति होने पर गाय का दान करना चाहिए। काने में सोने के आभूषण धारण करना चाहिए। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। मांसाहार और नशीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके आय भाव में स्वगृही सूर्य है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने आपका पेमेंट रोका हुआ है तो आपका पैसा देने पर विवश होगा, आपका पेमेंट करेगा। नौकरी में प्रमोशन भी होगा।
पारिवारिक विवाद भी समाप्त होंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना है। इसलिए जल्दबाजी में, उतावलेपन में कोई काम ना करें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्र शनि एक साथ हों, राहु गुरु एक साथ हों या गुरु शनि एक साथ हों, तो ऐसे में आपको कौन से नियम और सावधानियां और पालन करना चाहिए? अगर इस योग के अशुभ प्रभाव हैं तो कौन से उपाय आपके लिए कारगर साबित होते हैं, जान लेते हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं पंडित जी? देखो, गुरु और शनि की युति तो इतनी खराब नहीं है, क्योंकि अगर किसी की मेष लगने की कुंडली है तो उसका गुरु भाग्येश होगा और शनि राजेश होगा, धर्म कर्माधिपति योग बन जाएगा। तो गुरु शनि की युति से इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये युति 8वें और 12वें भाव में हो जाए या 6ठे भाव में हो जाए तब तो सोचना पड़ेगा। फिर ऐसा आदमी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला हो जाता है, मांसाहार करने वाला हो जाता है, मदिरा पीने वाला हो जाता है, नशा करने वाला हो जाता है, फिर ऐसे आदमी को तो सावधान हो जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को भगवान शिव की विधिवत उपासना करनी चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला गले में धारण करना चाहिए। हर रोज अपने घर में शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। राहु गुरु की युति को तो गुरु चांडाल योग कहते हैं। किसी भी तरह के अशुभ परिणाम से बचने के लिए, खास करके अगर राहु में बृहस्पति का अंतर हो और बृहस्पति में राहु का अंतर हो, तो ये 2 वर्ष 8 महीने का समय बहुत टफ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसमें तुरंत गुरुवार के दिन किसी शिवालय में रुद्राभिषेक करिए और 1 ग्राम सोने का सिक्का अभिषेक कराने वाले को दान करिए। उसी दिन आप मान के चलिए कि गुरु चांडाल योग आपसे दूर हो जाएगा। जिस दिन आप स्वर्ण दान करेंगे, 1 ग्राम केवल सोने का सिक्का दान करिए, उसी दिन आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की उपासना करिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए, घर में नियमित पूजा पाठ हवन का माहौल बनाइए। शुक्र शनि की युति होने पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, परफ्यूम लगाइए, भूखे लोगों को या शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके खिलाइए। लेकिन अगर बृहस्पति नीच राशि या नीच नवांश में हो तो किसी साधु संत या साधु संत वेशधारी व्यक्ति के दूर से ही संबंध रखिए। नज़दीक जाने की कोशिश बहुत मत करिए, उनके भाव में बहुत बहने की कोशिश मत करिए, वरना अनर्थ हो सकता है। क्योंकि अगर नीच का गुरु होगा या नीच नवमांस में होगा तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शक ही ऐसे लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा दिन आपका जानते हैं। अब ऐसा है कि शुक्र और केतु की स्थिति जो एकादश भाव में है वो तो यही कह रही है, एक बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है, अधिकारियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लंबे समय बाद अपनों से आप मिल पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम करिए, पैसों का लेन देन सावधानी से करिए और विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में गुरु चंद्रमा एक साथ हो या कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो तो आपको हर काम में सफलता पाने के लिए किस भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कुंडली में सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, इसको बुधादित्य योग कहते हैं। भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए नियम बना करके, और ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो गायत्री मंत्र का भी जप आपको करना चाहिए। रविवार को गौ सेवा करनी चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति है तो आपको भगवान शिव की हर रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये गजकेसरी योग है। और गुरुवार को भगवान विष्णु या केले के पेड़ की भी आपको पूजा करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। करते हैं धनुराशि की, क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। hmm.
देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा आज एक साथ हैं। इससे एक आशय तो मुझे निकल के दिखाई दे रहा है कि आज आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। और दूसरी बात, आज आपके पेशेंस के कारण और आपकी तन्मयता के कारण ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। और सबसे अच्छी बात यह है, भाई से पुराना विवाद समाप्त होगा। हाँ, थोड़ी सी शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, अपने खान पान पर ध्यान रखें और बुजुर्गों को इग्नोर न करें, उनका अपमान न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है मकर राशि की, चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आज भाग्य कितना साथ देगा आपका। वैसे तो मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध की दृष्टि आपके राशि पर है और सूर्य आपके 8वें भाव में है और भाग्य स्थान में आपके शुक्र और केतु की स्थिति है। कुल मिलाकर अगर आत्मविश्वास ने आपका साथ दिया तभी धन लाभ हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए समय ठीक है। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है। नई योजनाओं में निवेश से आपको बचना चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि और सूर्य की दृष्टि, इसका मतलब है आमदनी में वृद्धि होगी और आप आज सेविंग्स भी बचत भी कर पाएंगे। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। शुगर के डायबिटीज के पेशेंट अपना खास ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव नुकसानदायक होगा। जरूरतमंदों में दवाइयां दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे मीन राशि की, जानते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए आपकी अगर मीन राशि है तो राहु की स्थिति है आपके राशि में। आपका राशि स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में अति शत्रु गृही है। आप अपने आप को ऑनलाइन स्कैम से बचाएं और ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं। अपने मन को प्रसन्न रखिए, स्वस्थ रखिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान भूल के भी मत करिए। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं चेन्नई के रहने वाले मनीष कुमार सरसहिया। ये हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद पंडित जी। इनकी डिटेल आप नोट कर लीजिए, फिर मनीष खुद आपसे सवाल करेंगे। 9 मार्च 1976 कितने बजे? 6 सुबह की। कहाँ पैदा हुए? उज्जैन, मध्य प्रदेश। मनीष जी, आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण भैया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपके मार्गदर्शन से मतलब सब लोगों को इतना फायदा हो रहा है। यदि मैं एक नियमित दर्शक हूँ, पिछले करीबन 10 साल से अधिक समय से, 2013 से मैं नियमित दर्शक हूँ और आज मेरा भाग्य से आज मेरा फोन लगा है जी। तो मेरे पंडित जी प्रश्न मुख्य 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मैं IT में कार्यरत हूँ और विदेश यात्रा के लिए वीजा होने के बावजूद किसी न किसी कारणवश विदेश यात्रा का मेरा योग नहीं हो सका है पिछले 2-3 सालों से, और नौकरी में उन्नति भी रुकी हुई है। इसके लिए आप कुछ उपाय बताएं। दूसरा प्रश्न मेरे कर्ज को लेकर के, कर्ज मुक्ति के लिए मैंने काफी प्रयास किए और जमीन भी दे दी,
पर कर्ज से राहत नहीं मिल रही है। मैंने पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, क्या यह सही है? और किन देवता की पूजा आराधना मेरे लिए अधिक फलदायी है? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है मेरे भाई कि आपका लग्नेश शनिचर राशि में, आपका गमनेश शुक्रचर राशि में, आपके लिए विदेश तो ऐसे आना जाना है जैसे मतलब कि घर से चाय की दुकान पे जाना और आना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछला समय आपका ठीक नहीं था 1.5 साल का, इसलिए आपका योग नहीं बना। लेकिन अब 10 मार्च 2024 के बाद योग बना हुआ है, अगस्त सितंबर तक हवाई जहाज पे उड़ जाएंगे, चिंता मत करिए। और आईटी फील्ड में आपको हर समय सफलता मिलेगी, इसकी भी आप चिंता मत करिए। और दूसरा प्रश्न जो आपका है कर्ज मुक्ति के लिए, देखिए बताऊं आपको कि आपके व्यय भाव में शुक्र और धन भाव का स्वामी केतु के साथ तृतीय भाव में है, ये अच्छा नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप कर्ज से जल्दी मुक्त हों तो 2 केले के पेड़ 2 गमले में लगा करके बृहस्पतिवार को किसी धर्मस्थान में रख दें और 16 दिनों तक लगातार उसमें जल और हल्दी डालें और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। निश्चित रूप से अगर आपके लगाए हुए केले के पेड़ मंदिर में चल गए तो आप विश्वास करिए कि 1 साल के अंदर आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। अब तीसरे प्रश्न के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि तीसरा प्रश्न नौकरी में तरक्की रुक, हाँ तो उसके लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए क्योंकि आपका टैलेंट जो है उसके आधार पे आपको तरक्की मिलनी ही मिलनी है। लेकिन आपने एक बात ये पूछा था कि मैं किस देवता की उपासना करूं, तो मैं तो कहूंगा कि आपके इष्ट हनुमान जी हैं, आपके इष्ट श्री हरि विष्णु हैं, आपको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और आपको हनुमान जी और प्रभु श्री राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे आपका ये जन्म भी सधेगा, अगला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं तुलसी के पत्तों की। तुलसी के पत्ते कैसे देंगे धन लाभ और बनाएंगे आपके सारे काम, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है तो तुलसी की पत्तियों को पानी में डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तुलसी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अनवरत आप पर बनी रहेगी। 15 दिनों तक रविवार को छोड़कर हर रोज तुलसी की पत्तियों के साथ मिश्री का भोग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान को लगाएं। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी आप करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर हो। और हाँ, हनुमान जी की भी पूजा में ध्यान रखिएगा कि तुलसी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो सारे दुकान का लड्डू आप चढ़ा दीजिए, हनुमान जी की तृप्ति नहीं होगी जब तक उसमें एक तुलसी का पत्ता नहीं होगा। और तुलसी का पत्ता डालते ही हनुमान जी कृतकृत्य हो जाएंगे। तो पूरे घर में अगर तुलसी युक्त जल है और उसका छिड़काव कर दिया जाए तो घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी कमी आती है। जानते हैं सनातन धर्म में जितना महत्व गाय का है, जितना महत्व गंगा का है, उतना महत्व तुलसी का भी है। बच्चों के पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है और उनकी किताबों में आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए तो देखिए फर्क। घर में अगर बहुत कलेश है तो मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आप हनुमान जी को एक बार तो अर्पित करके देखिए, आपको फर्क न महसूस हो तो कहिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं विषय आज का हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।